स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम जो कि नासा बना रहा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो SLS है क्या, ये समझने के लिए आप ये जानिए कि ये एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है। मतलब रॉकेट कितना टन लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जाता है उसके हिसाब से हम लोग इसकी रेटिंग देते हैं। हैवी लिफ्ट रॉकेट को जनरली 20 टन से ऊपर होना चाहिए। 50 टन के ऊपर चले गए तो उसे कहा जाएगा हैवी लिफ्ट। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट इस तरह का कटा हुआ लाइन नहीं है कि मतलब हाँ 50, मतलब 40 टन भी अगर आप पहुँचने लगे तो लोग बोलेंगे हैवी लिफ्ट है। तो ये कुछ रॉकेट के मैं डिज़ाइन आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि लॉन्ग मार्च 9 जो कि चाइना का है, SLS ब्लॉक 1 ऑब्वियसली 90 टन ही ले जाएगा लेकिन वो भी हैवी लिफ्ट कैपेसिटी में आएगा। न्यू ग्लेन जो अमेजॉन बना रहा है अपने ब्लू ऑरिजिन के थ्रू वो भी हैवी लिफ्ट में आएगा। BFR ऑब्वियसली हैवी लिफ्ट में आएगा। सैटर्न 5 जो नासा का ऑलरेडी था हैवी लिफ्ट रॉकेट। तो ये सब कुछ रॉकेट्स हैं, इस रॉकेट में इसकी गिनती होगी SLS की। और SLS को बनाया जा रहा है सिर्फ एक चीज के लिए, स्पेस शटल सक्सेसफुल नहीं रहा जिस तरह से नासा सोच रहा था। तो स्पेस शटल को रिटायर जल्दी ही कर दिया गया। अब रिटायर तो कर दिया लेकिन कुछ तो आपको चाहिए उसको बदलने के लिए, SLS का मेन काम वही है। और स्पेस शटल अगर सक्सेसफुल होता भी, अगर वो सब काम कर भी लेता, तो स्पेस शटल को बनाया गया था लो अर्थ ऑर्बिट पे ही जाने के लिए। मतलब सैटर्न 5 जो बनाया गया था, जो मून रॉकेट था, वो चांद तक जा सकता था, वो मार्स पे भी पेलोड भेज सकता था, लेकिन आपका ये स्पेस शटल बना ही था लो अर्थ ऑर्बिट जाने में, इसलिए 500 किलोमीटर के नीचे ही जा सकता था। मतलब समुद्र तल से सिर्फ 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता था, ऑर्बिट पर रह सकता था लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकता था। इसको शुरू से बनाया जा रहा है ताकि ये ज़्यादा दूर जा सके, मतलब चांद से मार्स तक जा सके, मंगल तक जा सके। और इसको इंसान के लिए रेटिंग दी जा रही है। रॉकेट का इंसानी रेटिंग होना मतलब उसमें कितने सेफ्टी सिस्टम हैं, क्या उसमें अबोर्ट किया जा सकता है कि नहीं, अबोर्ट मतलब आप रॉकेट मान ली फटना शुरू हो गया, क्या आप एस्ट्रोनॉट को हटा सकते हैं कि नहीं सेफली, बहुत सारे चीज़ किए जाते हैं ताकि आपका रॉकेट को ह्यूमन रेटिंग मिला है। हर रॉकेट ह्यूमन रेटेड नहीं होता, मतलब भले रॉकेट 100 बार चला हो उसमें इंसान को नहीं रखा जाएगा जब तक वो ह्यूमन रेटेड नहीं है। तो और इसके बाद इसको ठीक है आप रॉकेट तो बना लिए, इसके ऊपर जाएगा क्या मेनली, इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा ओरायन स्पेस कैप्सूल जो कि स्पेस शटल का एक्चुअल रिप्लेसमेंट, मतलब जो शटल पार्ट था जिसमें लोग जाते थे वो ओरायन से रिवाइल। लेकिन याद रखिए ये अलग चीज़ है, ये ओरायन को कैरी जरूर करेगा लेकिन ओरायन और इसको अलग अलग डेवलप किया जा रहा है, अलग अलग कंपनी इस पर काम कर रही है। तो इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आप ये समझिए सैटर्न 5 जो कि चांद का रॉकेट था, मून का रॉकेट था, सबसे पावरफुल रॉकेट अभी तक का, इसका इससे जो जो चीज़ सीखे इन्होंने इसको लिया। स्पेस शटल से जो जो चीज़ सीखे, स्पेस शटल उतना सक्सेसफुल नहीं था उसके बाद भी, लेकिन जो जो चीज़ उसे सीखे उसको भी लिया। ये दोनों को जोड़ के ये सिस्टम बनाया गया है। और इसको स्पेस शटल में एक प्रॉब्लम था कि स्पेस शटल में अगर लॉन्च के टाइम कुछ हुआ एस्ट्रोनॉट को कुछ नहीं कर सकते, उनको आपको मरते हुए देखना पड़ेगा, जो कि पहले मतलब स्पेस शटल डिजास्टर में हुआ ऐसा, क्योंकि SRB फटा तो SRB तो मेन फ्यूल टैंक उड़ा दिया। अगर शटल अलग भी किया जा सकता तो शटल मतलब उस जगह से लैंड नहीं कर सकता, मतलब वो प्लेन की तरह नहीं है कि अगर उल्टा ऐसे निकल गया तो सीधा करके वापस लैंड करा लेंगे, कुछ हो नहीं सकता था वैसे। मतलब कोशिश की जा सकती थी लेकिन वैसा डिज़ाइन नहीं था। तो लेकिन हम लोग जो चांद रॉकेट बनाए थे, मून रॉकेट यानी सैटर्न 5 में, इसमें आप जो पेंसिल जैसा ऊपर एक पतला सा टिप देख रहे हैं वो है लॉन्च अबोर्ट, मतलब रॉकेट ऊपर जा रहा है और फटा, ये रॉकेट अपने आप फायर करेगा और खींच के निकाल देगा क्रू मॉड्यूल, जिस मतलब जिसमें क्रू रिटर्न व्हीकल जिसको कहा जाता है, जिसमें आपके इंसान बैठे हुए उसको खींच के अलग कर देगा रॉकेट से, और रॉकेट के फटने के स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा, मतलब आदमी आपके बच जाएंगे, मतलब आपका एस्ट्रोनॉट सेफ रहेगा। तो ये इस डिज़ाइन में बनाया जा रहा है कि आदमी को सेफ रखा जा सके, शटल जैसा नहीं रहे कि मतलब रॉकेट अगर फटना स्टार्ट हुआ, क्योंकि पता है उनको पहले चल जाता है कि फटने वाला है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और इसका डिज़ाइन जो है आप समझिए स्पेस एक्स के टाइप ये लोग थोड़ा सा अप्रोच ले रहे हैं, जिसमें ये डिज़ाइन को अपग्रेड करते जाएगा। मतलब जो पहला ये ब्लॉक बनाएंगे वो ब्लॉक सिर्फ 90 टन ले जाएगा, आखिरी के ब्लॉक लगभग 150 टन तक ले जाएंगे। तो ये डिज़ाइन को अपग्रेड करते जाएंगे जैसे जैसे आगे वक्त बीतेगा, इसीलिए काफ़ी सारे आपको इसके ब्लॉक मिलेंगे, जैसे SLS ब्लॉक 1, SLS ब्लॉक 1B कार्गो, SLS ब्लॉक 1B, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे ब्लॉक्स बनाए जाएंगे इसके। तो ये काम कैसे करता है, ठीक है आपने डिज़ाइन समझ लिया, तो काम कैसे करता है, आप ये देखते होंगे कि ये ऑरेंज फ्यूल टैंक जो आपको दिख रहा है ये लगभग स्पेस शटल जैसा दिखता है, क्योंकि ये स्पेस शटल का ही डिज़ाइन है, मतलब सीधे उन्होंने डिज़ाइन लिया, थोड़ा सा साइज़ में जो चेंज करना था किया और वही लिया। इंजन जो लगे हैं इसमें वो भी स्पेस शटल के हैं, स्पेस शटल के इंजन यानी कि RS-25 को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंजन काफ़ी
उत्तम क्वालिटी के हैं, मतलब इससे बेटर इंजन सिर्फ कुछ ही हैं और ये बहुत सक्सेसफुल रहा, मतलब स्पेस शटल कुछ सक्सेसफुल रहे चाहे नहीं, ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, ये डिज़ाइन काफ़ी टेस्टेड है, ये काफ़ी अच्छे से हाइड्रोजन चलाता है और ये क्लोज साइकिल है, मतलब और मतलब एग्जॉस्ट को सीधे ऐसे खाली नहीं छोड़ दिया जा रहा है, मतलब गैस जनरेटर से रॉकेट इंजन को चलाया जाता है, वो गैस जनरेटर का जो एग्जॉस्ट है उसमें या तो ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन होगा या ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल होगा ताकि वो मतलब जल ना जाए, उसको सीधे बाहर फेंक देने से मतलब आपका डिज़ाइन सिंपल हो जाता है लेकिन आप थोड़ा सीधे बर्बाद कर रहे हैं, मतलब समझिए आपकी गाड़ी तेल लीक कर रही है, तो इसको अंदर डालना कम्बस्टन चैम्बर में काफ़ी मुश्किल वाला काम है, लेकिन इसमें ऐसा ही होता है कि वो कम्प्लीटली क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट होने से इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी हाई एफिशिएंसी का है, और इसका ईंधन मतलब इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर की तरह और लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी टॉप स्पीड हमेशा बेटर होती है। आपने कई बार सोचा होगा कि अगर फाल्कन 9 मतलब जो कि स्पेसएक्स का है वो अगर इतना सस्ता है और इतना भारी वजन ले जा सकता है तो डेल्टा 5 रॉकेट सब क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्कॉट मैनली ने इसके बारे में वीडियो बनाया लेकिन वीडियो इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं, उसको मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। मतलब अगर आप हाइड्रोजन यूज़ करते हैं आपकी टॉप स्पीड हमेशा बेटर आएगी, मतलब फाइनल स्पीड जो आपका है वो बेटर आएगा। तो ठीक है टॉप स्पीड तो आ रहा है लेकिन अगर आप ज़मीन से उठ ही नहीं पाए तो फ़ायदा क्या। तो उसको बाईपास करने के लिए ये लोग स्पेस शटल इरा का SRB यूज़ करेंगे, मतलब सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो आपकी आप यहाँ दो देख सकते हैं। SRB जो यूज़ किए गए थे स्पेस शटल में वो रीयूजेबल थे, मतलब जैसे ही वो ख़त्म होते थे नीचे आते थे और पैराशूट से लैंड कर दिया जाता था उसको, वैसा करने से मतलब एटलीस्ट उसकी केसिंग को ये लोग वापस ला के रिकवर कर लेते थे। एंड में पता चला कि ये कोई फ़ायदेमंद है नहीं उतना, मतलब उसको वापस कलेक्ट करने में, उसमें पैराशूट लगाने में, उसमें जितने भी तिगड़म करना था करने के बाद ये हिसाब हुआ कि वो नए खरीद लेना सस्ता पड़ता, तो इसलिए इसमें जो बना रहे हैं वो सीधे यूज़ एंड थ्रो है, मतलब सीधे लॉन्च करेंगे ख़त्म हटो। और इसको 4 सेगमेंट की जगह 5 सेगमेंट का बनाया जा रहा है, स्पेस शटल में जो था वो सिर्फ 4 सेगमेंट का था, थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस चाह रहे हैं इसमें। तो इसमें पॉलिटिक्स क्या लगा, पॉलिटिक्स ये है कि काफ़ी लोग परेशान हो गए इस बात से कि जब SLS को डेवलप किया जाता था बहुत सारी कंपनी उसमें कम्पीट ही नहीं कर सकती थी क्योंकि सेनेट ने मतलब जो आप समझिए पार्लियामेंट एक तरह से समझ लीजिए वो सीधे कह दिया कि स्पेस शटल का चीज़ इस्तेमाल करो। स्पेस शटल के इंजन बहुत अच्छे थे इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, लेकिन नए इंजन डिज़ाइन किए जा सकते थे, नए इंजन पे मतलब इससे जो जो चीज़ सीखे हैं उसको लगा के एक नया बेहतर इंजन बनाया जा सकता, वो नहीं किया, इन्होंने बोल दिया नहीं यही इंजन यूज़ करो, अब आप लटक गए, इस इंजन को थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश करके मतलब करो, फिर ये हो गया कि ये आप इस्तेमाल करो SRB, जो कि इस स्पेस शटल में इस्तेमाल करने का एक रीज़न ये भी था कि US मिलिट्री जो अपनी ICBM है मतलब परमाणु बम के लिए जो ये लोग रॉकेट बनाते हैं उसमें जनरली ऐसे ही रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं SRB, लेकिन आप उसको चाहोगे कि नहीं टेस्ट करो, क्योंकि अगर आप जितनी बार टेस्ट करोगे दूसरे लोगों को पता चल जाएगा कि आपका रॉकेट का ये कैपेबिलिटी है, इसमें इस तरह के पेलोड हैं, इसका इस तरह का लॉन्च कर्व है, मतलब इसलिए आप चाहोगे कि ये पता ना चले किसी को कि आपके ICBM की क्या खासियत है या क्या नुकसान है क्या, क्योंकि हर चीज़ में कुछ फ़ायदा नुकसान होता है, तो ये जानकारी जब तक सीक्रेट है तब तक आप सेफ हो। तो इसको सीखने के लिए मतलब कंपनी को जो भी कंपनी इसको बनाएगी उसको समझाने के लिए कि कैसे और डिज़ाइन रिफाइन करो नासा में डाल दिया, तो नासा के लिए बनाएंगे, ह्यूमन रेटिंग करेंगे मतलब और इफिशियंट और अच्छे से कंट्रोलेबल बनाएंगे और इससे ICBM में भी डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा। तो ये मतलब समझिए एक दूसरे का मदद करके ये लोग काफ़ी उत्तम काम कर रहे थे, मतलब ये काफ़ी अच्छा आइडिया था ऐसा करना ताकि मतलब स्पेस से इनका स्पेस प्रोग्राम भी आगे बढ़ जाए और इनका ICBM प्रोग्राम भी आगे बढ़े, लेकिन इसको SLS में यूज़ करना अच्छा आइडिया नहीं था, मतलब क्योंकि ये पहले से ही बना हुआ है, पहले से हम लोग देख लिए कि इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, अब इसको दोबारा इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये लोग ऐसा कर सकते थे कि SLS की जो फ्यूल टैंक है उसको थोड़ा चौड़ा कर देते ताकि बहुत ज़्यादा और फ्यूल रखते और 4 इंजन की जगह 5 इंजन लगा देते तो आराम से ये उतना ही कैपेसिटी आराम से ले जाता लो अर्थ में, लेकिन ये SRB यूज़ करने के लिए बोल दिए तो बोल दिए, मतलब पॉलिटिक्स वाला बात है, बोल दिए तो बोल दिए। तो काफ़ी लोग तो इसको मजाक में ये कहते हैं सेनेट लॉन्च सिस्टम, मतलब पार्लियामेंट का समझ लीजिए, पार्लियामेंट का रॉकेट है इंजीनियर्स ने नहीं बनाया, और ये नासा और पॉलिटिक्स में यही होता है कि बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है, दाम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वो तो पॉलिटिक्स था। तो इसके काफ़ी क्रिटिसिज्म आपको इंटरनेट पे मिलेगा, आप खोजेंगे तुरंत व्हाई डोंट वी कैंसिल SLS, व्हाई डोंट वी डू दिस और दैट, लाइक काफ़ी लोग परेशान हैं। उसका मेन कारण, उसका सबसे खास रीज़न ये है कि ये रीयूजेबल नहीं है, मतलब रॉकेट आपका वापस आके लैंड नहीं करता, मतलब आप कई 1000 करोड़ का चीज़ बना रहे हैं उसको बस आप फेंक दे रहे हैं और हर बार फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है एक बार फेंके, ये सब केस में भी ये सब भी कई 100 करोड़ के चीज़ हैं, लेकिन आप एक बार लॉन्च किए वापस ले आए, रिफाइन किए, पॉलिश किए, जो भी करना था रिपेयर उपेयर किए और दोबारा यूज़ किए, मतलब आप समझिए एक गाड़ी बनाए चलाए और उसके बाद वहीं फेंक दिए उसको, तो वैसे तो बहुत पैसा बर्बाद होता है। और ये है अमेज़ॉन का ब्लू ऑरिजिन का अभी का रॉकेट, ये है फाल्कन 9 का,
फाल्कन 9 का ये रिटर्न स्टेज है बेसिकली, और ये आपको यहाँ कोन इसलिए दिख रहा है, ये फाल्कन हैवी के साइड बूस्टर्स हैं, उसमें कोन होता है, मतलब अगर सेंटर स्टेज लॉन्च करता तो उसके ऊपर ऐसा कोन नहीं होता। तो ये सब देख के हिसाब ये बन रहा है कि अगर BFR बनाया जा रहा है, जो कि चांसेस है कि इससे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और इससे ज़्यादा पेलोड ले जाएगा प्लस रीयूजेबल होगा, तो नासा किया क्या इतना पैसा लगा के? मतलब $10 बिलियन वो अभी तक खा चुका है, मतलब खा गया, काम ख़त्म, वो 10 बिलियन गया। और उसके बाद भी जब ये लॉन्च होगा, ये किसी भी हालत में सस्ता तो होगा नहीं, क्योंकि ये यूज़ एंड थ्रो है। तो मतलब आपने इतना पैसा लेके किया क्या? ना तो ये कोई नया चीज़ है, ना ही इसमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी है जो BFR में नहीं है। प्लस ये मार्स पे नहीं जा सकता सीधे सीधे, क्योंकि मार्स पे जाके अगर ये लैंड कर गया तो लैंड करके वापस नहीं आ सकता। जब भी हम लोग ने चांद पे बनाने वाला रॉकेट बनाया था, उसमें एक आखिरी स्टेज था, उसका काम सिर्फ यही था कि वो जाके चांद पे लैंड करेगा और चांद से वापस आएगा। ये BFR भी नहीं कर सकता, लेकिन BFR के पास एक सलूशन है कि एक तो ये लोग इसको रिफ्यूल जो है, मतलब इसमें दोबारा ईंधन ऑर्बिट में भरेंगे, इससे वो मार्स तक जाना आसान हो जाएगा इसका, और उसके बाद जब वहाँ लैंड कर पाएगा अच्छे से, और उसके बाद वहाँ पे उसको प्रोपेलेंट को दोबारा बना के कर सकता है, ये इसमें किया ही नहीं जा सकता। तो और ये लोग सोच भी इस तरह से रहे हैं कि मतलब मार्स तो इनके प्लान में ही नहीं है, मतलब नासा के प्लान में ही नहीं है मार्स मतलब 2035 तक। तो मतलब अब इतना $10 बिलियन लगा के आप क्या कर रहे हैं? तो काफ़ी क्रिटिसिज्म है इसके बारे में, और पॉलिटिक्स के चलते तो काफ़ी लोग ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो गए। तो ये था मेरा वीडियो स्पेस लॉन्च सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट लिखें कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने मेरी वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।